हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि इग्नू की ओर से जारी की गई है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी के अंदर आप लोगों को असाइनमेंट बनाने होते हैं, और असाइनमेंट जो होता है वो क्वेश्चन आंसर टाइप में होता है। इग्नू हर स्टूडेंट के लिए और हर प्रोग्राम के लिए अपनी ओर से असाइनमेंट के क्वेश्चंस जारी करती है, और क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लिखने होते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ गाइडलाइंस है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए नीचे देखता हूँ क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहले सबमिशन डेट की बात की गई है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होती है, जुलाई 2023 सेशन के स्टूडेंट के लिए, वो होती है 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट को जून के एग्जामिनेशन में अपियर होना होता है, तो उनको अपने असाइनमेंट मार्च के महीने में सबमिट करने होते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेट अगर एक्सटेंड होता है तो अप्रैल के महीने में सबमिट करने होते हैं। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जिनके जिनके एग्जामिनेशन दिसंबर में होते हैं, तो उनको अपने असाइनमेंट सितंबर मंथ में सबमिट करने होते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर मंथ में सबमिट करने होते हैं। पहली बात तो ये समझ गए। दूसरी बात कि असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन इग्नू में होता है, तो इग्नू जो है ना, उनको एक स्टडी सेंटर अलॉट करती है। क्या अलॉट करती है? एक स्टडी सेंटर अलॉट करती है, शिक्षण केंद्र अलॉट करती है। तो आप सभी स्टूडेंट को अपने अपने असाइनमेंट जो है, अपने अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने हैं, और किसी भी अंडर एनी सरकमस्टांसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में आपको अपने असाइनमेंट किसी दूसरे जगह पर नहीं करने हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि भूल चूक एडमिशन ले लेते हैं, और उन्हें पता नहीं होता है कि उनके स्टडी सेंटर कहाँ है। तो स्टडी सेंटर के बारे में जानने के दो तरीके हैं, एक तो ये है, एक दूसरा ये है। दरअसल कोई स्टूडेंट अगर इग्नू के वेबसाइट पे जाता है, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जोन नाम का एक सेक्शन होता है। स्टूडेंट जोन नाम के सेक्शन पे जाना है, और वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस करके एक सेक्शन होता है। उस रजिस्ट्रेशन स्टेटस सेक्शन पे जाना है, और वहाँ पर अपने अपने जो इनरोलमेंट नंबर है उसको फिल करना है, और वहाँ पर अपने प्रोग्राम को फिल करना है, कैप्चा फिलअप करना, और वहाँ से सीधा सीधा आपको जो है आपके स्टडी सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा जो है वो है ये लिंक। आप सीधे सीधे चाहें तो ये लिंक को क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके अपने स्टडी सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड ये जो तरीका है, इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में चर्चा कर लूँगा। अब ये तो समझ गए। अब देखिए दोस्तों, असाइनमेंट सबमिशन की डेट पता चल गई आपको, और असाइनमेंट सबमिशन कहाँ करना ये भी पता चल गई आपको। अब देखिए करना क्या है, कि अगर लेट सपोज अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, तो आपको एक रिसीविंग मिलेगी, और उस रिसीविंग को आपको सुविधापूर्वक आपको अपने पास रख लेना है, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई दिक्कत होती है इग्नू की ओर से, तो आप अपना एक प्रूफ दिखा सके कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। और अल्सो कीप अ फोटो कॉपी। एक सेकेंड, मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये रहा, हाँ ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर है कि अल्सो कीप अ फोटो कॉपी जेरोक्स कॉपी ऑफ असाइनमेंट विथ यू। तो जो भी असाइनमेंट आप लिखे हैं, जिस भी असाइनमेंट के क्वेश्चन आपने लिखे हैं, उसकी एक फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी करवा के रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है, इग्नू वाले मार्क्स वगैरह अगर नहीं चढ़ाते हैं, तो आप ये फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी दिखा करके अपने असाइनमेंट सबमिट या अपने असाइनमेंट के मार्क्स ले सकते हैं। अब देखिए, असाइनमेंट लिखने के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, वो मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूँ। दरअसल जब भी आप अपने असाइनमेंट लिखेंगे, तो सबसे पहले पेज पर, जिसे हम टाइटल पेज के नाम से जानते हैं, आपको कुछ ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। एक सेकंड, मैं नीचे करता हूँ इसको, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, तो जो पहला वाला पेज है, टाइटल पेज, उसमें सबसे पहले तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, फिर अपना नेम लिखना है, फिर अपना एड्रेस लिखना है, फिर सिग्नेचर और डेट देना है। ये हुआ फर्स्ट पेज, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं और थोड़ा नीचे करता हूँ। डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोग्राम कोड लिखने हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम, जैसे कि किसी का BAG है, ठीक है, तो उसको उनको लिखना है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल, ऐसे लिखना है, ठीक है। और उसमें कोई भी कोर्स कोड, अगर कोई मान लेते हैं BEVA181 है, तो यहाँ पर BEVA181 लिखना है, एंड कोस्ट में लिख देना है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। जैसे कि ये हो गया कोड BEVA181, एंड ये हो गया टाइटल, ठीक है। असाइनमेंट के कोड लिखने हैं, और ये जो असाइनमेंट के कोड होते हैं ना दोस्तों, ये
इग्नू के जो क्वेश्चन आते हैं असाइनमेंट के, उसी के ऊपर लिखे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको इरेज करता हूँ एंड मैं आपको एक वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये भी जान लीजिए कि असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। कोई भी असाइनमेंट आपको डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली लिखना है, क्या लिखना है, इग्नू असाइनमेंट, इग्नू असाइनमेंट आपको लिखना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ दिख गया होगा इग्नू असाइनमेंट। सॉरी, यहाँ इंटरनेट नहीं है, मैं एक सेकंड इंटरनेट भी दे देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक सेकंड, बस एक सेकंड दोस्तों, शायद इंटरनेट अब रीस्टोर हो चुका है। अभी भी नहीं हुआ रीस्टोर, एक मिनट रुक जाइए। अब इंटरनेट रीस्टोर हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे आप इग्नू असाइनमेंट लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपने प्रोग्राम के असाइनमेंट खोज लेने हैं और अपने सब्जेक्ट कोड के असाइनमेंट खोज लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर खोज रहा हूँ जुलाई 2023 जनवरी 2024 का BEVAE 181। एक सेकेंड मैं खोज लेता हूँ BEVAE 181 कहाँ गया। BEVAE 181, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं नीचे देख लेता हूँ। नीचे में तो नहीं दिया हुआ है, नहीं इसमें नहीं है, शायद इसमें होगा, AECC लिखा होगा। हाँ मिल गया, यहाँ पर है दोस्तों। देखिए मैं हिंदी वाला ओपन कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन ओपन हो चुका है, क्वेश्चन बुकलेट। एंड यहाँ पर देखिए ये जो है ना सत्रीय कार्य कोड, यही है दोस्तों असाइनमेंट कोड। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, BEVAE 181 TMA 2023। एक सेकेंड मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक बार, सॉरी ये वाला नहीं, ये हो गया। हाँ तो असाइनमेंट कोड में आपको लिखना है कुछ इस तरीके से, BEVAE 181 TMA 2023। और ये जो स्टडी सेंटर कोड है दोस्तों, ये आप लोगों को उसी लिंक से मिल जाएगा। चलिए मैं भी इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पर आइए। जैसे कि किसी को अगर अपने स्टडी सेंटर के बारे में पता लगाना है तो यहाँ पर इग्नू पे क्लिक करना है। जैसे इग्नू पे क्लिक करने के साथ हमारा ये इग्नू वाला लाइन ओपन होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, ओपन होने दीजिए एक सेकेंड, ये नहीं सॉरी एक सेकेंड। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ स्टूडेंट सपोर्ट है, यहाँ एक स्टूडेंट जोन है। देखिए ये इग्नू की वेबसाइट है, स्टूडेंट जोन पे आना है एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस होगा। अभी दिखा देता हूँ मैं, एंड प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स फॉर्म्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट जोन एडमिशन स्टेटस इसी में होगा हमारा। एक सेकंड देख लेते हम, कहाँ चला गया दोस्तों, मिल नहीं रहा है, एक वेट अ मिनट। क्या था, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, स्टूडेंट जोन में रजिस्ट्रेशन स्टेटस में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाली जो लाइन है इसको यहाँ से हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों, यहीं पर हुआ करता था, इससे नहीं मिलता है। तो सीधे चलिए यहाँ हम लोग सर्च कर लेते हैं इग्नू एडमिशन स्टेटस, ठीक है ये वाला। उसके बाद नाउ योर रजिस्ट्रेशन एडमिशन डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना, यहाँ कैप्चा फिल करना, सबमिट करना। उसके बाद वहाँ पर नीचे आपको स्टडी सेंटर दिख जाएगा एंड स्टडी सेंटर कोड दिख जाएगा। आपको यहाँ पर इस वाली लाइन में उसी चीज़ को फिल कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, यहाँ पर ये वाला स्टडी सेंटर कोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, मैं उन सभी बातों को आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जितने भी असाइनमेंट हैं उसको आपके अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने, यही बात लिखी गई है। और असाइनमेंट को जब आप बनाएंगे तो उससे पहले असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस को पूरा पढ़ लेना है, तभी असाइनमेंट अपने बनाने हैं। और देखिए तीसरा नंबर क्या है कि एक अच्छा आंसर जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वो इग्नू आपसे एक्सपेक्ट करती है, तो आप एक
एक एक क्वेश्चन का एक अच्छा अच्छा आंसर देंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है उसको माइंड में रखना है एंड देन असाइनमेंट अपने बनाने हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट है प्लानिंग। देखिए असाइनमेंट लिखने से पहले आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं असाइनमेंट के अंदर, उसके लिए आपको सबसे पहले रेस्पेक्टिव यूनिट्स ढूंढना है। बुक जो आपको इग्नू देती है उसमें से आपको ढूंढना है कि क्या क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और उसको एक सही अरेंज में सही तरीके से अरेंज करना है एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, लंबे चौड़े आंसर हो सकते हैं, बट हमें सब शब्दों को ध्यान में रखते हुए आंसर को हमें विद इन लिमिट्स लिखना है। जैसे कि 500 वर्ड्स में लिखना है तो 500 क्वेश्चन के अंदर ही हमको वो आंसर, सॉरी 500 वर्ड्स के अंदर ही हमको उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एंड देखिए हमारा जो आंसर होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड करेक्टली लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। परफेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है प्रेजेंटेशन। हमें अपने असाइनमेंट को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए जब आप अपने मोटे मोटे आंसर से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फिर आपको अपने आंसर को क्लियरली लिखना है। और चौथा जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको अपने असाइनमेंट लिखते समय A4 साइज रूल्ड शीट को प्रयोग में लाना है, ठीक है, एंड कम से कम 4 सेंटीमीटर मार्जिन को छोड़ना है। उसके बाद देखिए पाँचवा जो है कि पांचवा जो गाइडलाइंस है वो ये है कि आपको अपने असाइनमेंट खुद से लिखने हैं, अपने हाथों से लिखने हैं, किसी भी तरीके से असाइनमेंट को प्रिंट नहीं करना है अथवा टाइप नहीं करना है या फिर किसी भी बुक से सीधा सीधा कॉपी नहीं करना है। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो छठा नंबर पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी अदर स्टूडेंट का आंसर शीट कॉपी नहीं करेंगे। अगर कॉपी करते हुए पकड़ाए जाते हैं तो दोनों ही लर्नर्स के आंसर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और देखिए आपको अगर 7 सब्जेक्ट हैं, आपके अगर 7 सब्जेक्ट हैं तो आपको 7ों सब्जेक्ट के असाइनमेंट अलग अलग लिखने हैं, अलग अलग शीट्स पर लिखने हैं और अलग अलग तरीके से उसको डिजाइन करके आपको पेश करना है। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ लिख दें, ठीक है। और उसके बाद 8वां नंबर है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर और उसके आंसर्स आपको सही तरीके से ठीक तरीके से लिखने हैं। एंड 9वां नंबर है कि जब भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो एक रिसीविंग जो आपको इग्नू के कोऑर्डिनेटर की ओर से दी जाएगी उसको आपको सेफ्टी के साथ रख लेना है। एंड 10वां नंबर क्या है कि अगर आप अपने स्टडी सेंटर को चेंज कराना चाहते हैं तो अगर आपका स्टडी सेंटर चेंज नहीं हुआ है देन उस सिचुएशन में आपको अपने पुराने स्टडी सेंटर पर ही अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने होंगे। अब देखिए आफ्टर टाइटल पेज जो पहला वाला पेज जिसमें कि मैंने आपको बताया कि नेम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, सब्जेक्ट कोड प्रोग्राम कोड वगैरह लिखना है, तो उस पेज के बाद आपको जो है अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को अटैच करना है। उसके बाद आपको अपने असाइनमेंट के आंसर अटैच करने हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से करना, सबसे पहले तो टाइटल वाला पेज जिसमें कि नेम एनरोलमेंट नंबर डिटेल्स वगैरह रहेंगे, दूसरा होगा क्वेश्चन वाला पेज और तीसरा होगा आंसर वाला पेज जो कि आपने लिखे हैं। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर छोटी मोटी बातें लिखी गई हैं कि जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने जाएंगे तो उससे पहले आप ये देख लेंगे कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्लियरली लिखा है या नहीं लिखा है, फ्रंट पेज पे नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है या नहीं, टाइटल ऑफ द कोर्स लिखा हुआ है या नहीं, असाइनमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें सही से लिखी हुई है या नहीं, क्लियर है। और सारी चीज़ें देखने के बाद आप जो है उसको मतलब असाइनमेंट को अच्छे तरीके से सेपरेट शीट्स में अच्छे से पिनअप कर देंगे, और या पिनअप नहीं कर पाए तो स्टिच कर देंगे, धागे से बांध देंगे। और अपने असाइनमेंट सबमिट करते हुए चैनल फाइल को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि असाइनमेंट के कुछ पेज उलट पुलट हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्लियर है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन पार्टिकुलर सेक्शन में पूछे गए हैं उतने ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर नहीं करने। और जो नोट है वो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि आपके जो असाइनमेंट है वो आपके टोटल मार्क्स के 30% का वेटेज कैरी करते हैं, मतलब 100 में से 30 मार्क्स जो है वो आपके असाइनमेंट से आएंगे। इसलिए आपको कम से कम असाइनमेंट को इम्पोर्टेंस तो देना ही चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं हो, और आपको अपने असाइनमेंट अच्छे से लिखने चाहिए ताकि आपका रिविज़न भी हो जाए और आप अपने एग्जाम भी अच्छे से दे पाए। तो ये सारी गाइडलाइंस इग्नू की ओर से आई थी। और अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन टाटा बाय बाय।